हमारे यहाँ एचआर मैपिंग का ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, जो यूजली होना चाहिए स्कूल के लेवल से लेके। मैंने खुद ये प्रॉब्लम भी फेस किया है, हम भी इस प्रोसेस से गो थ्रू हुए हैं। बच्चे को पता ही नहीं है कि उसका नेचुरल टैलेंट क्या है। यूके में, यूएस में एवरेज बच्चा जो है वो 12-13 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा होता है 6-7 में, ठीक है। अब तो टूल्स आ गए हैं, हमारे बिल्कुल हाँ, सही है जी। हमारे बच्चे जो है वो 6-7 क्लास में भी जो है वो 4 सब्जेक्ट्स के पेपर दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है। उनको बाकी सब्जेक्ट्स का नो हाउ ही, उनको उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चलती। कोई उनकी टेस्टिंग नहीं होती, कोई टीचर उनको ये नहीं बताता कि आपके अंदर कौन सी जो है वो स्किल एनहांस हो सकती है। फिर दूसरी चीज़ जो भी इरफान ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंटरप्रेन्योरल जो पढ़ा रहे हैं या कर रहे हैं, देखें जो बेसिक बिजनेस है ना, हम लोगों ने भी वहीं से पढ़ा था, ठीक है। उससे जो आपको बेसिक बिजनेस की नॉलेज आ जाती है ना, उससे आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप सीख सकते हैं। एक इंसान के अंदर भी होती है। अब टीचर का टाइम उसको, टीचर का काम उसको इनकरेज करना तो ज़रूर है, लेकिन जिस अब हम जिस माशरे को, जिस हम कंट्री को हाईलाइट करके चल रहे होते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरल कंट्री है, वहाँ पे अगर आप देखें तो एक बच्चा 12-13 ईयर्स की एज से काम करना शुरू करता है, ठीक है। वो बेशक मास्टर या ग्रेजुएट करके जब तक निकलता है ना, तो वो छोटी छोटी इंटर्नशिप, छोटी छोटी जॉब, चाहे वो स्टोर पे कर रहा है, चाहे वो कहीं पे कर रहा है, हम जिसकी भी एग्जाम्पल दे दें, वो रियल लाइफ टाइम के अंदर ना सेलिंग, परचेजिंग, डीलिंग विद पीपल, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, कस्टमर डीलिंग सीखना, वो सारी छोटी छोटी जो चीज़ें रियल लाइफ टाइप में होती है ना, वो चीज़ सीख चुके होते हैं। हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं कि अभी भी जो है ना सी लेवल जो लेवल के लोग हैं उनको एक ट्रेनर आता है ये बताने के लिए कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, आपने निगोसिएशन कैसे करनी है। मैंने निगोसिएशन कहाँ से सीखी थी? घर से। उन्होंने कहा कि थी जाके ये चीज़ खरीद के ले आओ, या मुझे याद है मेरी मदर कह देती थी बेटे ये 4 गलियां छोड़ के ना पांचवा घर है, वहां पे जाके ना तो ये चीज जरा ड्रॉप करके आ जाओ। अब वो खुद ढूंढते थे, चाहे 2 घंटे लग गए वो 4 गलियां ढूंढने में, लेकिन वो एक रियल टाइम स्किल थी। अब हम लोगों ने जॉब जो है वो बेशक उस वक्त ना की हूँ, लेकिन जब मैं कंपेयर करती हूँ तो वो जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बेशक ड्रॉप आउट भी होते हैं बाहर के या कुछ भी हो, तो वो ऑलरेडी 6-7 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होता है जॉब का। जिस बिल्कुल ठीक। अभी हमारे पाकिस्तान में स्टार्टअप का एक अगर आप कल्चर देखें तो मोस्टली स्टार्टअप जो है वो बहुत यंग जनरेशन के लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं। वो उसको ज्यादा ज्यादा फेल भी इसीलिए कर रहे होते हैं कि उनके बिजनेस की जो सेंस होती है वो बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ से निकल के आगे सीधा स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट कर लिया, जो वो दरमियान का लर्निंग गैप है ना, लर्निंग एक जर्नी है, वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया होता, तो वो स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं करवा सकती।